गाइस, दिस इज पल्लवी. वेलकम बैक टू फेस इन कलर्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैंने कई सारी चीज़ें अमेजोन से परचेस की है, उसमें मैंने एथनिक वेयर और ज्वेलरी भी परचेस की है जिसका मैं वीडियो आगे लाने वाली हूँ. सो दिस इज़ द वीडियो. इट्स अ कुर्ती हॉल यू कैन से, और एथनिक हॉल आप जो भी कहना चाहते हो कह लो. मैंने कई सारे यहाँ पे कुर्ते ऑर्डर किए हैं और थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी ऑर्डर की है जो कि बहुत ही प्रेटी है. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर ऑल दिस स्टफ व्हिच आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेजोन सेल एंड द प्राइस आई हैव गॉटन. So let's not waste much of time और start करते हैं. सो पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कुर्ते मैं आपको बताने वाली हूँ अभी आगे वो सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं. आपने कहीं ना कहीं वो ब्रांड का नाम ज़रूर सुना होगा, ऐसा नहीं कि कोई लोकल प्रोडक्ट है, बट जो प्राइस में मिले हैं वो दैट इज़ रियली गुड. सो स्टार्ट करते हैं विद दिस मजंता पिंक कुर्ता. नाउ दिस इज़ द कुर्ता. इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है और आप इसको इजीली समर में वेयर कर सकते हो, विंटर्स में तो पहन ही सकते हो. इसका जो कलर है वो विंटर टाइप का कलर है और इट्स नॉट टू कैजुअल कि आप एकदम कैजुअली ही वेयर कर सकते हो, आप कोई ओकेशन पे भी इसको कैरी कर सकते हो. इसमें जो वर्क दिया हुआ है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है वो प्रिंट वर्क दिया हुआ है, नेक पर दिया हुआ है, प्लस इसकी जो स्लीव्स है एंड में कुछ इस तरह से है, एंड इसकी जो बॉर्डर है वो इतनी चौड़ी है. इस कुर्ते की जो लेंथ है वो बहुत लॉन्ग है जैसे कि अभी चल रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रिटी लगता है. प्लस इट हैज़ दिस 3/4 स्लीव्स, तो या अगर आपको पसंद है 3/4 स्लीव्स या फुल स्लीव्स सो यू विल लाइक दिस. स्ट्रेट कुर्ता नहीं है, इसका थोड़ा सा चोली पैटर्न है जो यहाँ तक है और उसके नीचे जो है हल्का सा घेर, यू कैन से घेर टाइप का है. और कलर जो है वो सारे कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा, लाइक मुझ पे तो ये कलर बहुत अच्छा लगता है. और ये जो ब्रांड है वो है रंगरति, आपने ज़रूर इस ब्रांड का नाम सुना होगा. और इसका जो प्राइस है वो है 199 और द प्राइस जो मैंने पे किया है वो है 899, तो मुझे इसमें करीब करीब 1100 का डिस्काउंट मिला है जो कि बहुत ही अच्छा है. फर्स्ट टाइम मैंने अमेजोन से एथनिक ऑर्डर किया है ड्यूरिंग द सेल और मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला है. सो दिस वॉज द फर्स्ट कुर्ता एंड आई रियली लाइक दिस वन. मैंने कई सारे कुर्ते ऑर्डर किए थे एंड सोचा था कि जो मुझे पसंद नहीं आएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगी, पर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया मेरे पास जो मैं रिटर्न करने वाली हूँ. आई लाइक देम ऑल. देन सेकेंड जो कुर्ता है वो है ग्रीन कलर का, पिस्ता ग्रीन यू कैन से, और दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू द ब्रांड रंगरति. और पैटर्न भी काफ़ी सेम है, थोड़ा सा वर्क इसका डिफरेंट है. इसके बैक में भी डिज़ाइन है यहाँ पर और नेक पर भी डिज़ाइन है. ये कुर्ता भी ऐसा है कि आप ओकेजन पे भी पहन सकते हो और कैजुअली भी वेयर कर सकते हो. इसकी स्लीव्स भी 3/4 स्लीव्स है और स्लीव्स पे इस तरह का वर्क दिया हुआ है, प्लस नीचे भी जो बॉर्डर है वो इतनी चौड़ी बॉर्डर है, सेम जैसे मैंने लास्ट कुर्ते में शेयर किया था आपसे, वैसा कि वैसा ये पैटर्न है, बट थोड़ा सा प्रिंट अलग है, कलर अलग है. इसका भी जो फैब्रिक है वो कॉटन है, तो इजीली वेरेबल है समर्स में भी. और दिस वन आल्सो हैज़ दिस चोली पैटर्न जो यहाँ तक इसकी बॉडी है एंड देन नीचे से घेर है. इसका भी लेंथ जो है वो फ्लोर लेंथ टाइप का है, अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको फ्लोर लेंथ आएगा और अगर आप थोड़े से लंबे हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे जगह आएगी, तो आप यू कैन वेयर प्लाजो और लेगिंग और वॉट एवर यू लाइक. इस कुर्ते की जो नेक लाइन है उस पर बहुत ही प्यारा सा तारे और मोती का वर्क दिया हुआ है, और जो वर्क है इसका वो गोल्डन और पिंक पे दिया हुआ है जो कि बहुत ही सटल और बहुत ही प्यारा सा लगता है. देन इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 199 और मुझे जिस प्राइस पर मिला है वो है 699. मुझे 1300 रुपये का डिस्काउंट इस कुर्ते पर मिला है जो कि इट्स रियली वर्थ. क्वालिटी वाइज दोनों जो इस ब्रांड के प्रोडक्ट है बहुत अच्छे हैं और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा फील देता है होल्ड करने पर ही, ऐसा लगता है कि हाँ यू आर वेयरिंग समथिंग ब्रांडेड. नेक्स्ट कुर्ता इज़ फ्रॉम डब्लू. आपने इस ब्रांड को सुना होगा और काफ़ी सारे कपड़े इससे लिए भी होंगे, वे भी किए होंगे. आपको पता है इस ब्रांड की कितने अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी होती है. प्लस द बेस्ट थिंग अबाउट डब्लू इज़ दैट कि मुझे जो है इस ब्रांड की फिटिंग काफ़ी अच्छी लगती है. अभी जितने सारे कुर्ते मैंने ऑर्डर किए हैं उसमें सबसे अच्छी फिटिंग मुझे इस कुर्ते की आई है. ना इसका जो कलर है वो ब्राइट पिंक है और ये एकदम कैजुअल वेयर है, और इसमें थोड़ा सा जो
प्रिंट वर्क होता है, गोल्डन प्रिंट वर्क वो है, प्लस इसकी जो स्लीव्स हैं वो है 3/4 स्लीव्स, सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं या तो फुल स्लीव्स हैं या 3/4 स्लीव्स हैं, और नीचे ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है, बट पूरे जो कुर्ते पे है प्रिंट वर्क है, और इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल कुर्ता, बट देन इट्स रियली प्रिटी एंड द फिटिंग इज रियली गुड, और प्लस इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और इस कुर्ते का जो प्राइस है वो है 1699, 1700 के आसपास, और मुझे जिस प्राइस पे मिला है वो है अनबिलीवेबल, और वो प्राइस है 679 रुपीस, जो कि बहुत अच्छा डिस्काउंट है। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेस ऑफ माइन। देन द नेक्स्ट कुर्ता इज अगेन फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड विच इज बीबा। बीबा के बारे में हम सब जानते हैं, ये काफ़ी लंबे समय से एथनिक वेयर बना रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का बना रहा है। सो या दिस इज़ द प्रोडक्ट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ॉन फ्रॉम द ब्रांड बीबा, और इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर है, प्लस इसकी जो स्लीव्स है वो है फुल स्लीव्स, थोड़ा सा बलून सॉर्ट ऑफ पैटर्न है स्लीव्स में, और इसके नेक में जो है कैजुअल सा एक वर्क क्या कह सकते हैं उसको, प्रिंट है। बाकी ये जो कुर्ता है वो पूरा कैजुअल वेयर है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कुड लाइक वेयर इट ऑन ओकेजन, और या इसमें स्लीव्स में इस तरह की प्रिंट दी हुई है, प्लस ये जो साइड में भी एक अच्छा सा पैटर्न दिया हुआ है जो कि एक अलग लगता है कुछ, और इसमें जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बट या इट इज़ रियली गुड। नाउ ब्लैक कलर इज समथिंग विच आई लाइक लव, सो ये जो कुर्ता है वो मैंने मेनली ब्लैक कलर के लिए ऑर्डर किया है, प्लस इसका जो ब्रांड है वो बीवा है, आई लव दिस ब्रांड, सो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है, और इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट है, इट्स प्योर कॉटन एंड इट फील्स क्वालिटी, और इसका जो नेक है वो है स्टैंड कॉलर, मतलब इतना स्टैंड है और यहाँ से जो है थोड़ा सा ओपन है ताकि आप इसको ईजिली वेयर कर सकें। नाउ इस कुर्ते का जो प्राइस है वो है 1699, 1700 का है ये भी, और जिस प्राइस में मुझे मिला है वो है 828, विच इज़ अगेन अ रियली गुड डील। एंड द लास्ट कुर्ता इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड बीबा, एंड इसका भी कलर जो है वो बहुत ही प्यारा सा पिंक, डार्क पिंक कह सकते हो, डार्क रानी पिंक कह सकते हो, और इसका जो नेक है कुर्ते का वो वैसे नेक मुझे बहुत पसंद है, पूरा स्टैंड कॉलर है और फुल नेक है, मतलब यहाँ तक पूरा कवर हो जाता है जैसे कि मैंने पहना है उसमें, और यहाँ पे हुक दिए हुए हैं ताकि आप इसको ईजिली वेयर कर सकें। इसमें भी जो वर्क है वो है प्रिंट वर्क, और ये गोल्डन कॉपर, गोल्डन कह सकते हो आप, कॉपर कलर का इसमें वर्क है और पूरे कुर्ते पे छोटी छोटी बूटियाँ दी हुई है, और नेक जो है इसका थोड़ा सा हैवी है, और स्लीव्स में यहाँ पर थोड़ी सी, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन कलर की पाइपिन या ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, वो दी हुई है, तो उसके कारण ये जो कुर्ता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, आई मीन स्लीव्स जो है काफ़ी अच्छी लगती हैं, और जो इसका मटेरियल है वो थोड़ा सा ऐसा शाइनी सॉर्ट ऑफ है, तो आप इसको ओकेजन पे भी वेयर कर सकते हो और कैजुअली भी वेयर कर सकते हो, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो कैजुअल है, बट जो इसका कपड़ा है वो बहुत ही रिच और यू नो पार्टी वेयर सॉर्ट ऑफ है। इस कुर्ते की भी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है मुझे, बट कुछ कुर्ते हैं जो मुझे लूज हैं तो उसका मैंने अभी फिटिंग नहीं कराया है, अभी सब ट्राई किया है मैंने, बट या वो फिटिंग होने के बाद काफ़ी अच्छे लगेंगे, और ये भी बीबा का है तो यू नो द क्वालिटी ऑफ बीबा, सो या मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, और जो इसका प्राइस है इस कुर्ते का वो है 1999, एंड द प्राइस आई हैव गॉट इन टू इज 999, मुझे इस पे 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। सो दीज वर द कुर्तेज विच आई हैव ऑर्डर फ्रॉम अमेज़ॉन सेल, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बाय देम ऑल, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिले हैं, काफ़ी सारा पैसा मैंने सेव किया है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ज्वेलरी पे, वो भी मैं आपको एक एक करके बताती हूँ किस प्राइस में मुझे मिली है और कैसी है, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट थिंग आई हैव ऑर्डर्ड इज फ्रॉम द ब्रांड येलो चाइम्स, अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया मैंने सारे, और ये कुछ इस तरह से है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वैसा है, प्लस इसमें व्हाई इट्स नॉट फोकसिंग, इसमें पिंक स्टोन्स हैं और नीचे एक
झुमकी है, अलग टाइप की झुमकी है, वो जैसी नॉर्मल झुमकी होती है वैसी नहीं है, एंड इट इज़ रियली ग्रेट। इसमें पिंक स्टोन है और ऑरेंज स्टोन है। सो जब मैंने ऑर्डर किए थे ये, मुझे लगा था थोड़े से छोटे हैं, बट देन आई फाउंड इट क्यूट सो आई ऑर्डर्ड इट। बट जब ये मेरे पास आए तो उसका साइज काफ़ी बड़ा था, एंड आई लव लॉन्ग इयर रिंग्स सो आई रियली लव्ड इट। ये दिखने में लगते हैं कि काफ़ी हैवी है, बट जब आप इसको होल्ड करते हैं तो इट इज़ रियली कम्फर्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है, एंड दे आर रियली प्रिटी। रिसेंटली मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत बड़ा शौक चढ़ा है, तो ये मुझे कलर में मिली। यूजली क्या होता है कि ये वाइट में आती है या ब्लैक में आता है, बट इसमें कलर्स थे तो आई ग्रैब्ड इट। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें दो कलर्स और हैं, मतलब टोटल जो है 3 शेड्स हैं इसमें, तो यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड लुक फॉर इट। इसकी जो भी लिंक है, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी शेयर किए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम देयर। और ये जो इयररिंग्स है मुझे पड़े हैं 299 रुपीज़ में, विच इज़ रियली क्यूट फॉर दिस प्राइस। देन द नेक्स्ट ज्वेलरी पीस इज अगेन an earring and this is from the brand Zaveri Pearls. Now जितने भी सारे मैंने orders किए हैं earring और jewelry, मुझे इस तरह के cardboard packaging में आया जो कि काफ़ी मोटा है और it is safe, मतलब ऐसे कोई टूटने फूटने का डर नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छी packaging में receive हुआ है, and these are the ones. Can you see how beautiful these are? ये एक ब्लू पेस्टल कलर, यू कैन से पेस्टल कलर की ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है, और इसमें ना मीना का वर्क है थोड़ा सा, जिसमें वाइट कलर यूज़ हुआ है और फिरोजी कलर यूज़ हुआ है, पिंक कलर यूज़ हुआ है, ऊपर एक छोटा सा फ्लावर टाइप का है। प्लस ये भी ना काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, जितनी भी ज्वेलरी मैंने ऑर्डर की है सारी लाइट वेट है और ईजी टू कैरी है। ये जो इयररिंग्स हैं इनका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग से हैं, प्लस लाइट वेट है, और जिस प्राइस में मुझे मिले हैं वो बहुत अच्छा लगा मुझे, विच इज़ 240 रुपीज़, एंड आई फाउंड दिस रियली गुड डील एट दिस प्राइस। देन नेक्स्ट इयररिंग्स जो है वो भी सेम ब्रांड से है, विच इज़ जावेरी पर्ल्स, एंड इसका कलर है येल्लो। इनका जो साइज़ है वो उतना बड़ा नहीं है बाकी के जितने इयररिंग्स थे, बट इट इज़ रियली क्यूट और आप किसी भी ओकेजन पे इसको वेयर कर सकते हो ईजिली विदाउट लुकिंग सो हैवी। इसमें जो पेंटिंग की हुई है वो है येल्लो कलर की, वाइट कलर की और पिंक कलर की, 3 कलर्स इसमें यूज़ किए हैं, प्लस इसमें स्टोन्स भी हैं, कुंदन जिसको कहते हैं, वाइट सिल्वर कुंदन भी है, और नीचे जो है वो पर्ल की सेटिंग है, इस पर ऐसे हैंगिंग पर्ल्स लगा रखे हैं। सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जितने भी मैंने ज्वेलरी मंगाए हैं वो भी मैंने एक भी रिटर्न नहीं किया है, क्योंकि आई लव देम ऑल, और जिस प्राइस में मुझे मिले हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छा रीजनेबल लगा। और इसका जो प्राइस है वो है 231, मुझे मतलब 230-231 में पड़ा है, एंड आई थिंक इट इज़ रियली गुड एन दैट प्राइस। देन लास्ट ज्वेलरी पीस जो मैंने ऑर्डर किया है, दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड जेवल्स गैलेक्सी, और ये इयरिंग नहीं है, ये एक नेक पीस है, और ये कुछ इस तरह से है, 3 लेयर्स हैं, इसमें छोटू सा हार्ट है जो फर्स्ट चेन है उसमें, देन उसके बाद ये एक मोटी सी चेन है, उसके बाद जो थर्ड चेन है उसमें ये लॉक का पेंडेंट है, और बहुत ही शीक लगता है ये। इस टाइप के जो नेक पीस होते हैं वो किसी भी आउटफिट को, लाइक प्लेन टी शर्ट जो मैंने अभी पहना हुआ है इस पर भी अगर मैं पहन लूँ तो ये तुरंत ही उस आउटफिट को जो है अट्रैक्टिव बना देता है, पार्टी वेयर बना देता है। सो इट लुक्स रियली प्रिटी, और जिस प्राइस में मुझे मिला है वो है 202 रुपीज़, 202 रुपये में मुझे मिला है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर जो लिंक मैंने दी है उस पर जाओगे तो आप इसको, इसमें आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे और कलर्स भी मिलेंगे, लाइक सिल्वर भी है और भी शायद दूसरे कलर्स भी हैं इसमें, और पैटर्न्स जो है वो बहुत सारे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा, सो आई ऑर्डर्ड दिस। आप अगर आपको कुछ और भी चाहिए वो 3 लेयर्स 4 लेयर्स या सिंगल चेन, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो ये थी सारी ज्वेलरीज, और मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिली है अमेज़ॉन से, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। और मैं कई सारे ऐसे हॉल्स वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी अगर आपको पसंद है तो, नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली। सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं उनकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा हो या परचेस करना हो तो यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम देयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और कुछ अगर आपको मेरे रिकमेंडेशन अच्छे लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो दैट you will be notified every time I post new video. So milte hain next video mein, till then see ya.